जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जयपुर में जेडीए की कार्रवाई का दूसरा दिन है और मानसरोवर के इलाके में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, सेक्टर रोड में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 250 मकानों दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। कल सड़क के किनारों से अतिक्रमण हटाया गया था और आज भी जेडीए कार्रवाई कर रहा है। भारी अमला जेडीए का वहां पर मौजूद है, पहुंच चुका है और जैसे जैसे अब पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ती जाएगी अतिक्रमण हटाते जाएंगे। हालांकि कल कुछ विरोध भी देखने को मिला था लेकिन भारी पुलिस अमला होने की वजह से उसको नियंत्रित कर दिया गया। और सीधे हम आपको मानसरोवर लिए चलते हैं जहां पर जेडीए की कार्रवाई होनी है और हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि आज कार्रवाई की शुरुआत कैसे और कहाँ से हो रही है। देखिए, कार्रवाई का दूसरा दिन है। ये जो वंदे मातरम रोड से जो न्यू सांगानेर रोड है उसको जोड़ने वाला 100 फीट सेक्टर रोड है, आज जो कार्रवाई है वो दूसरे दिन भी जारी है। करीब इस सेक्टर रोड की जद के अंदर 250 से ज्यादा जो मकान दुकान यहां पर आ रहे थे, जिसमें से करीब 80 से ज्यादा जो निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अभी जो कार्रवाई को लेकर यहाँ पर जो हल्का जो लोगों का विरोध है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर समझाइश कर जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया यहाँ पर जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो मेरे सहयोगी हैं वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो निर्माण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो पर्याप्त जाप्ता है लोगों को समझाइश कर जो अतिक्रमण है उसे हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो इस कार्रवाई को लेकर जो लोगों का जो विरोध है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, जो सेक्टर रोड में जो निर्माण आ रहे हैं उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ किस तरीके का। हमने 2 घंटे का रिक्वेस्ट किया था सर, 2 घंटे का, हम गरीब आदमी है, किसान आदमी है, तो सर करिए, किस तरीके का विरोध है यहाँ पर, विस्तार कर दिया था साहब, ऐसे किस तरीके का विरोध हो रही है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, 332 विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन लगातार जो लोगों से यहां पर समझाइश की यहां पर कोशिश कर रहा है और आप ये यहां पर तस्वीरों के अंदर यहां पर देख सकते हैं कि ये जो अवैध जो स्ट्रक्चर जो थे उन्हें जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर देखी जा सकती है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये जो सेक्टर रोड है इसकी जद में जो तमाम जो निर्माण यहाँ पर देखे जा सकते हैं उन्हें जो हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। हमारे साथ जो प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, जोन उपायुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है उसके बाद में विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हल्का फुल्का विरोध है लेकिन कोई ज्यादा विरोध नहीं है। कल जो हमारा एरिया हमने क्लियर करा था वो थोड़ा खाली था, अभी घनी आबादी है, हल्का फुल्का विरोध देखने को मिल रहा है, फिर भी लगातार समझाइश हमारी जारी है, काम जारी है। सर, सेक्टर रोड है इसको लेकर लोगों की भी डिमांड थी, कल लोगों ने सहयोग किया, आज लोगों की अपील है कि हमें और समय दिया जाए, तो किस तरीके से जेडीए ने संसाधन मुहैया करवा रहा है? जेडीए बिल्कुल संसाधन मुहैया करवा रहा है, लगभग अप्रैल में ही हमने सबको नोटिस दे दिए थे, काफी समय दिया जा चुका है क्योंकि हाईकोर्ट के डायरेक्शंस हैं और उनका टाइमली जो है हमको पालना करवानी है, इसलिए हमारी कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई जो है हाईकोर्ट के डायरेक्शन में यहाँ पर हो रही है, जो इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि करीब 2 महीने का समय इन तमाम जो निर्माण करता है उन्हें यहाँ पर दिया गया था, उसके बावजूद जब अवैध स्ट्रक्चर नहीं हटाए तो आज मजबूरन जेडीए प्रशासन को ये जो कार्रवाई यहाँ पर करनी पड़ रही है, लोगों से समझाइश लगातार की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक जो है महेंद्र शर्मा जी वो मौजूद है। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है किस तरीके की कार्रवाई है, लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है? तो आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे लेकिन एक बार फिर मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करें कि जो यहाँ पर जो निर्माण है जो सड़क सीमा की जद के अंदर आ रहे थे उन निर्माणों को हटाया जा रहा है। करीब आज जो संसाधन है वो 1 दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी बुलडोजर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तमाम मशीनरी की मदद से ये जो निर्माण जो आ रहे हैं उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है।
बिल्कुल रोशन, और अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये निर्माण हटाने के बाद में रोड जो है वो कितनी चौड़ी हो जाएगी, सड़क कितनी चौड़ी निकालने का प्रावधान किया गया है? देखिए, ये 100 फीट सेक्टर रोड जो है, ये जो सड़क है उसकी जद में मैंने पहले भी बताया कि करीब 250 के करीब ये जो निर्माण आ रहे थे उनका चिन्हीकरण किया गया था, उनका जो डिमार्केशन यहाँ पर किया गया था, और उसके बाद में इन तमाम निर्माणों को निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिए गए थे कि सड़क सीमा के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें हटा लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद कई जो निर्माणकर्ताओं ने ये जो निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद में कल ये जो जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली, कल जो करीब 80 से ज्यादा जो निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया गया था, और आज जो बचे हुए जो निर्माण है उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल रोशन, जैसे जेडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी भी समय मांग रहे हैं, लेकिन जेडीए की तरफ से और जो कोर्ट है उसकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे, इसके बाद नोटिस भी दिए गए थे लोगों को, बाकायदा एक पूरा समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने निर्माणों को नहीं हटाया है। देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जेडीए के एनफोर्समेंट दस्ते के साथ साथ में राजस्थान पुलिस की जो अतिरिक्त जो कहा जा सकता है कि पुलिस जाब्ता वो यहाँ पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, यहाँ के जो एसीपी हमारे साथ मौजूद है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, कैसी क्या स्थिति? जनता स्वेच्छा से तोड़ रही है, उनको पता है 100 फीट रोड निकलेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, इसलिए साथ में लगी हुई है, आप देख रहे हैं। सर, लगातार समझाइश भी की जा रही है लोगों से? बिल्कुल समझाइश की जा रही है, और कोई ज्यादा विरोध जनता नहीं कर रही है। देखिए, बिल्कुल कुछ चुनिंदा लोगों का विरोध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो PIL जो लगाई गई थी हाईकोर्ट में, यहीं के आसपास के जो कॉलोनी के करीब 30 कॉलोनियों के जो लोगों ने ये PIL लगाई थी कि जो इस इलाके को जोड़ने वाला जो मुख्य जो सेक्टर रोड है उसमें जो अतिक्रमण आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, उसके बाद में आज ही जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है कि जो प्रशासन इस मुख्य जो सेक्टर रोड है इसमें आ रहे अतिक्रमणों को जो हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। मेरे सहयोगी अविनाश लगातार जो यहाँ पर जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों जो निर्माण है वो इस सड़क सेक्टर रोड की जद के अंदर आ रहे थे, उन्हें जो हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इसमें यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एनफोर्समेंट विंग के साथ साथ में जो इंजीनियरिंग विंग है वो भी यहाँ पर मौजूद है, सेक्टर रोड का साथ के साथ में डिमार्केशन कर जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू करवाया जा रहा है। और बिल्कुल आज की अगर कार्रवाई की बात करें, कौन कौन सा इलाका आज कार्रवाई के जद में होगा खासतौर पर, ये भी हम समझना चाहेंगे। जरा तस्वीरें दिखाते हुए विस्तार से ये भी समझाइए कि आज कार्रवाई के जद में कौन कौन सा इलाका है। बहरहाल सुन लेते हैं पुलिस के अधिकारी क्या कुछ करें। लोगों का कहना है कि उनको भी थोड़ा बहुत समय दिया जाता है। समय तो प्रॉपर दिया गया है, प्रॉपर समय दिया गया है, नोटिस दिए उसके बाद से प्रॉपर समय दिया गया। 15 तारीख लास्ट अल्टीमेटम अल्टीमेटम। सर, आज कहाँ तक कार्रवाई हो जाएगी? आज ये मदर टेरेसा स्कूल से कार्रवाई प्रारंभ की है, तो संभवतः आज हमारा प्रयास रहेगा कि सारे अतिक्रमण हट जाएं। आज देखिए, आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महेंद्र कुमार शर्मा है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है, वो उन्होंने कहा है कि आज कोशिश की जाएगी कि जो लगभग जो निर्माण है उन्हें हटा लिया यहाँ पर जाएगा। और आज देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पुलिस जाप्ता है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो लोगों से समझाइश कर जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो निर्माण मौजूद है उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। आप आगे की ओर मैं दिखाना यहाँ पर चाहूंगा कि ये जो 100 फीट सेक्टर रोड था, महज कहा जा सकता है कि जो 40 फीट जो सेक्टर रोड ये यहाँ पर जो बचा था, करीब 60 फीट का इस रोड के ऊपर अतिक्रमण था, उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट जाते हैं, PIL दायर करते हैं, आखिर में हाईकोर्ट की डबल बेंच से ये फैसला आता है
कि सेक्टर रोड से आ रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाए, उसके बाद में जेडीए प्रशासन एक्शन में आता है, इन तमाम निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिए जाते हैं। लेकिन रोशन, कहीं कहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ भेदभाव किया जा रहा है, आम लोगों को समय नहीं दिया जा रहा, सेंट टेरेसा स्कूल को 24 घंटे का समय दे दिया गया क्योंकि नोटिस तो उन्हें भी पहले दिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए जो बड़े निर्माण है, मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंट टेरेसा स्कूल की जो बिल्डिंग है, करीब 4 मंजिला जो बिल्डिंग है, और कल जो नोटिस यहां पर दिया गया था, अतिरिक्त को समय दिया गया था कि स्कूल होने की वजह से कोई बड़ा जो हिस्सा है वो नहीं गिर जाए, क्योंकि स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है वो कल ही तोड़ दी गई है, और करीब 5 फीट का जो निर्माण है वो आ रहा था उस जद के अंदर। आज उम्मीद ये की जा रही है कि उसको जो डिमार्केशन करवाकर उसको मैन्युअली यहां पर तोड़वाया जाए। स्कूल प्रबंधन की ओर से गुजारिश की गई थी कि यहां पर जो कुछ इस सेक्टर रोड में आ रहे जो कोर्ट स्टे हैं उनके ऊपर भी हाल फिलहाल किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। एक बार आप ये जो दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो मार्ग है, महज जो 100 फीट का सेक्टर रोड था, जो मौके के ऊपर 40 फीट यहां पर बचा था, लोगों ने करीब 60 फीट के इस एरिया के अंदर अतिक्रमण यहां पर कर रखा था। अब आप ये यहां पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर जो जेडीए की जो टीम है, जो ये जो निर्माण देख सकते हैं कि कुछ यहां पर लोगों ने अपने स्तर के ऊपर यहां पर हटा लिए, जो कुछ जो निर्माण है उन्हें जो जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। मैडम, जो डिमार्केशन का काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है? लेकिन डिमार्केशन पूरा हो चुका है पूरी रोड पे, सेक्टर रोड पे, और जिन पेस्टे है उनको अभी अपन नहीं कर रहे हैं, उनको लंबित रखा गया है। कुछ जो कोर्ट केसेस है उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर? नहीं, कोर्ट केस विचाराधीन है, अभी कोर्ट केस पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फाइल गई हुई है, उसके बाद उनको कार्रवाई करने आगे करेंगे। कुछ यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अब ये जो बताना चाहूंगा कि मेरे सहयोगी लगातार ये दिखा रहे हैं कि ये कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने जो निर्माण हटाकर पीछे की ओर जो अपनी जो बिल्डिंग्स है वो बना ली है। कुछ यहाँ पर लोग इस कार्रवाई के समर्थन में भी थे, तो हालांकि जिन लोगों का जो कुछ जो निर्माण टूट रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का जो गुस्सा है वो एक कहा जा सकता है कि एक वाजिब है। साथ ही साथ में लोगों की मांग थी कि उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ यहां पर दिया जाए, लेकिन जो पृथ्वीराज नगर में जेडीए प्रशासन का कहना है कि मुआवजे देने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है, ऐसे में मुआवजे नहीं दिया जा सकता। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जो जेडीए की जो टीम है, ये दोनों ओर जो दुकानें बनी हुई है उन्हें जो तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कब तक ये जो कार्रवाई है पूरी कर ली जाएगी? ये 4 से 21 तक का प्रोग्राम है हमारा, और जो भी रोड में इंक्रोचमेंट आ रहे हैं सभी को समान रूप से हटाया जा रहा है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार और प्रवर्तन सहायक के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। मतलब आम जनता का भरपूर सहयोग, कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जा रहा है, पूरी अलग अलग टीम बनी हुई है, सभी टीम बना रखी है डीसी साहब के निर्देशानुसार। हमें मांग रहे हैं क्या समय दिया जा रहा है लोगों को अतिरिक्त? समय नहीं, जो हाईकोर्ट वाले मैटर है और तो उनको लंबित रखा गया है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। हमारे ये जो कार्रवाई है जी, क्या जी बिल्कुल, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। जो बिल्कुल रोशन, देखिए आज जो पूरा का पूरा ये इलाका हम देख पा रहे हैं घनी आबादी का इलाका है, और ऐसे में जो है अब वो क्या आज जो अमले की तादाद है वो बढ़ाई गई है, पुलिस प्रशासन की टीम की तादाद बढ़ाई गई है? बिल्कुल, जो पुलिस प्रशासन है तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या यहाँ पर क्या आप लोगों की क्या कुछ यहाँ पर शिकायत है? सर ये जो बड्डे है, जैसे एक बड़ा स्कूल है उसको इन्होंने छोड़